हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज थोड़ा पहले मेरे टेलीग्राम चैनल का रिव्यू करेंगे जो मैं आपको कोर्स प्रोवाइड करता हूं। उसके बाद मैं आपको थोड़ा व्यू बताऊंगा अपना कल के लिए कि मेरा बैंक निफ्टी में कल के लिए क्या व्यू है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करते हैं टेलीग्राम चैनल की। ठीक है, तो जैसा कि मैं टेलीग्राम चैनल पर कोर्स प्रोवाइड करता हूं, तो पहले तो बात तो ये है कि आज मार्केट 400-500 पॉइंट के बीच में रेंज बाउंड थी, तो इस करके आज लेवल्स वगैरह एक्टिवेट नहीं हुए और मैंने लेवल्स दिए भी नहीं, पर मैं आपके अपना व्यू शेयर करता रहता हूँ ड्यूरिंग द मार्केट। जैसे ये सब आप देख ही रहोगे। ठीक है, तो मार्केट रेंज बाउंड होने के कारण मुझे लेवल्स नहीं दिखे, इस करके मैंने आपको प्रोवाइड भी नहीं किए, क्योंकि हमने मशीन गन की तरह काम नहीं करना, हमने स्नाइपर की तरह काम करना है, हमने निशाना लगा के रखना है, जब मौका मिलेगा तभी स्ट्राइक करना है एकदम से। इस तरह नहीं करना कि हर लेवल पर एंट्री एग्जिट करते रहे। ठीक है, तो ये तो रहा मेरा आज का चैनल के लेवल्स जो कि आज मुझसे प्रोवाइड नहीं हुए क्योंकि लेवल आया नहीं, तो मैं यहाँ पे भी आपको शो कर देता हूँ। मेरी भी ऑर्डर बुक एकदम ब्लैंक है और पोजीशन भी आज मेरी एक भी नहीं है क्योंकि लेवल्स ही नहीं आए। जब मैं आपको लेवल दूंगा तो मैं उन लेवल्स पे खुद भी ट्रेड करूंगा। ठीक है, तो ये तो बात होगी हमारी टेलीग्राम की। तो अब हम बात करते हैं कि कल 3 तारीख है, जैसे 3 मई, तो मैं कल के लेवल्स आपको बताता हूँ कि कल क्या क्या पॉसिबिलिटी है मार्केट में होने की। ठीक है, तो ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट 15 मिनट में ओपन किया, तो यहाँ पे हम थोड़ा ट्राई करते हैं कि कल लेवल्स जो आएंगे हमें किस तरह से उनमें ट्रेड करना है। ठीक है, ये 15 मिनट का है, तो पहले जरा ट्रेंड लाइन कर लेते हैं एक दो। तो ये रही हमारी ट्रेंड लाइन, ये ओके, तो यहाँ पे ओपन हुई थी, ये आज का डे का हमारा हाई हो गया। मैं आपको इसके साथ आपको ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करने सिखा देता हूँ। तो हमेशा ट्रेंड लाइन आपने वहां माननी है। ट्रेंड लाइन का देखो स्पॉट और रेजिस्टेंस क्या होती है। स्पॉट और रेजिस्टेंस वह है जहां 2 या 2 से ज्यादा बार लेवल को टच करके मार्केट बाउंस हो रही है, उसको स्पोर्ट या रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जैसे ये आज के लिए ये चीज हमारी रेजिस्टेंस थी, जैसे एक बार ऊपर गई फिर नीचे ऊपर आई, तो ये हमारी होगी रेजिस्टेंस। और स्पोर्ट की अगर बात करें तो ये देखिए 2 या 2 से ज्यादा बार जहां पे मार्केट रिटेस्ट करे तो वो हमारी स्पोर्ट होगी। ठीक है, ये हमारी स्पोर्ट होगी, ये रेजिस्टेंस होगी। तो कल के लेवल्स हमारे लिए बहुत सिंपल है। अगर मार्केट इन बिटवीन कल ओपन यहाँ पे कहीं होती है और इस लेवल को ब्रेक ऊपर को करती है जो कि है 49500 का ऊपर को ब्रेक करती है, तो हम सीई बाय करेंगे। और यहाँ से अगर नीचे को ब्रेक करती है जो कि लेवल है अपना 49222 के करीब, मतलब 5-6 पॉइंट्स का बफर ले सकते हो प्लस माइनस में 5 पॉइंट्स। ठीक है, इसके अगर नीचे को ट्रेवल करती है तो हम पीई बाय करेंगे। ओके, और अगर बड़े गैप और गैप डाउन आती है तो अकॉर्डिंग टू मार्केट व्यू तो हम उसमें कल ट्रेड करेंगे, बाकी तो लेवल्स मैं आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा। तो ये रहा आज के मेरे चैनल का रिव्यू भी हो गया, तो शो भी कर दिया कि मेरा भी आज कोई ट्रेड नहीं हुआ, क्योंकि मेन तो हमें अपनी कैपिटल सेव करनी है। ट्रेडिंग तो हम करते रहेंगे, अगर कैपिटल सेव रहेगी हर बार, मतलब हर लेवल्स पर एंट्री करने से अच्छा दिन की 1-2 एंट्री ही करेंगे जिससे हमारा गुड इनफ प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो मैं कल आपको लेवल प्रोवाइड कर दूंगा। और वीडियो पसंद आई हो या आपकी कोई सजेशन हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच।